हेलो, हेलो हाय हाय। विवेक, सो मैं बैठ सकता हूँ यहाँ? कैन इज इट? नो नो, यू कैन गो सिट देयर, थैंक यू। वाई? एक्सक्यूज मी, आप कैसे बैठे हैं यहाँ पर? आपका प्लेस सही है? आपने पूछा मुझसे बैठने से पहले कि मैं आपके साथ बैठूं कि ना बैठूं। अच्छा, मैं आपसे क्यों पूछूंगा? तो आप मेरे साथ क्यों बैठे हैं? आप पार्क में इतनी जगह खाली, वहां जाके बैठे। अरे, मुझे लगा यहाँ बैठना चाहिए, सो मैं बैठ नो, गया। ये सॉरी पब्लिक, सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, बट आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं, वहाँ प्रॉपर प्लेस खाली है, आप यहाँ ना बैठे प्लीज। बाय द वे, मैं विवेक, और आप? अंजलि नाम है मेरा, एंड मैं लॉयर हूँ। आपको वकील समझ आता है? हिंदी भाषा में आता होगा आई गेस। आप मुझे क्या बताना चाहती हैं? यार तुम निकलो यहाँ से, मैंने बोला ना मुझे यहाँ पे कोई नहीं चाहिए, जस्ट प्लीज गो फ्रॉम देयर। आप लॉयर हैं, इसका मतलब आप किसी को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं बोल सकती हैं आप जाओ। आपका ये प्लेस नहीं है अंजलि जी, तो आपका ये आपको प्लेस एक नहीं बात है। बताएं, जब मैं यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ तो आप यहाँ पे आके क्यों बैठे हैं? मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ, ये मेरा राइट है, और ये ओके, पब्लिक ओके, पार्क है, आपका कोई कहीं भी राइट बैठ है, तो सकता मैं है। चली जाती हूँ हाँ, यहाँ आप से। जा सकती हैं, श्योर। चलो, मैं ऑलरेडी यहाँ बैठी हुई हूँ, आप जाइए यहाँ से। अगर आपको हमसे बात करना नहीं अच्छा लगता है तो आप जा सकती हैं। प्लीज डू, आप मैं इतना आपसे हंस बात क्यों रही नहीं, हैं भाई? मैं आपसे बात आप नहीं। स्मार्ट बन रही हैं, आप लॉयर हैं तो स्मार्ट बनेंगी। स्मार्ट बनने की, मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ, मुझे आप ना बताएं कि स्मार्ट कैसे बना जाता है और क्या होता है। प्लीज़ आप उधर जाके बैठिए और मुझे मेरा काम करना। ना एक बात तुम्हें बता देती हूँ, वकील हूँ मैं, इतनी धाराएं तुम्हें गिनवा सकती हूँ ना कि पागल हो जाओगे सोचते सोचते कि कौन सी कब लग जाएगी, तो जस्ट गेट आउट फ्रॉम मी। ओके, आप धमका रही हैं मुझे, ऑब्वियसली आप धमका रही हैं मुझे, आराम से आप बात धमका की, रही हैं मुझे, धमकाने की बात आप नहीं, मुझे मैंने आईपीसी, तुमसे ऑलरेडी बात आप की है, मुझे तो मैं आईपीसी नॉर्मल की हूँ धाराएं बता ना। रही है। ऑब्वियसली मैं हूँ वकील, मैं तुम्हें बताऊंगी वो चीज़ें, क्योंकि मुझे नहीं पसंद जब मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, तो आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आप चले जाए यहाँ से, एंड डोंट गिव मी दैट लुक। आप इतनी इतनी शॉट, आप पूछा मैंने आपसे कि क्यूट लग रही है, क्या लग रही हैं, आप अपने काम से काम रखें। मुझे पता है कि आप जैसे लोग यहाँ पे क्या यू करते शट अप, हैं, यू शट अप, मुझे पता है कि तुम जैसे लोग बस ढूंढते हो कि लड़की बैठी हो, आगे बैठ जाओ, दो चार बातें कर लो कि दैट्स इट, यहाँ से प्लीज चले जाएं, तो गो विद यू। अब आप जा सकते हैं सर। मतलब कंटिन्यूसली आप मुझे लपेटे जा रही हैं। ऑब्वियसली मैं आपको, आपको क्यों बैठना है यहाँ पे? और भी कितने लोग हैं, वहाँ जाके बैठिए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप क्यूट है तो आपके साथ आके बैठ जाएंगे, ये कहाँ की बात हुई? और आप मुझे बता रहे हैं कि आप मुझे धमका नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप मुझे ज्ञान ना दें, वरना अगर मैंने आपको ज्ञान दिया तो आप पे भारी पड़ सकता। ये जो मुझे तुच्छे वाली धमकी दे रही है ना, तुच्छे वाली, तुच्छे वाली, आपने सुना एक वर्ड तुच्छे वाली, ये जो आपने तुच्छे वाली धमकी दे रही ना, इससे मैं नहीं डरता हूँ। वर्किंग हूँ मैं हाई कोर्ट में, तो आप मुझे ना आप बताएं हाई कि कोर्ट क्या में है। सुनिए, आप हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, कि कौन तुच्छा है? नहीं, वो आप मुझे मत बताएं आप कहाँ पे वर्किंग है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जाइए ना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप जाइए। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ, मैं आपसे इतनी देर से आराम से बात कर रही हूँ, चले जाओ। आप जा सकती हैं ना, आप जाइए। आपने मुझे बिना कुछ, आपने आपने बिना कुछ सोचे कंटिन्यूसली पता नहीं क्या क्या बोला, व्हाट एवर जो भी था, तो मैंने आपको माफ कर दिया ना। आप मुझे माफ, बिल्कुल माफ कर, अगर आप प्लीज बोल रहे तो आप हैं क्या जो आप मुझे माफ करेंगे? छोड़ दीजिए, आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, थिंक मैं मैनेज, आप मुझे बताएं आप क्या है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप मुझे बोल रहे ना कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, आप सच में जानना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं देखना चाहती हूँ कि जो पर्सन खुद को इतना बड़ा बताती है वो है क्या, मैं भी देखूँ क्या मुझसे मैनेज नहीं होगा। एंड सर, बहुत चीज़ें मैनेज करती हूँ मैं, रेगुलर बेसिस पे केस लड़ती हूँ, सो अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से जाएं और मुझे मेरा काम करें। आप बताओ क्या करते हो? वैसे फिलहाल तो मैं बेरोजगार हूँ। ठीक है ठीक है, देखिए मैं तो इसमें हंस नहीं, आप इसमें हंसने की बात नहीं रही, मैं किसी के अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं हंस रही, बट द थिंग इज कि जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं ना, दैट सूट्स यू। आपने कभी ऑडी चलाई है? ऑडी में बैठ के सफ़र किया है? किया है? नहीं किया होगा आई गेस। कभी ब्रेजा चलाई है? वो तो आई थिंक चलाई होगी। तो जो दोनों में सर फ़र्क है ना, वो आप और मैं, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल यू आर दैट। तो खुद को आप ऑडी प्रेजेंट कर रहे हो? ऑब्वियसली आई एम। आप अपने आप को जितना स्मार्ट समझ रहे हो ना, समझने की। अच्छा, आपने कभी रोल्स रॉयस देखी? आपने कभी रोल्स रॉयस देखी? देखिए, वो मेरे घर के बाहर दो तीन खड़ी रहती हैं। ओ, अब देखिए आप फेंकने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे। दो तीन मेरे घर के बाहर खड़ी रहती हैं। क्योंकि शाहरुख खान रोज मेरे घर और मेरे पास, सुनो, अरे सुन तो लो, मैंने ब्रेजा भी चलाई है और ऑडी भी चलाई है और रखी भी है मैंने, तो मुझे ऑडी, ब्रेजा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, और ये आप मुझे मत बताइए। ओके ओके ओके, हां हां, मेरे घर पे भी शाहरुख खान आते हैं। आप जो नुक्कड़ पे जाके फाइल्ड होती हैं, वही आप काम कीजिए। तो मुझे बताओगे कि हां, जो तुम्हें, जो तुम्हारा काम है वो जाके करो ना। पढ़ाई लिखाई की है कभी? पढ़ाई लिखाई की है? क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? लगता है लॉ है ना? हां लॉ है ना, बिल्कुल। जो बंदा इधर बैठा है वो आईआईटीएन है।
आप IIT तो आप इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहे हैं? कितनी आई डोंट नो. देखिए अगर आप जो बंदा इधर बैठा है वो IITian है. डू यू नो IITian जानती है? बिल्कुल जानती है ना. आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी. बिल्कुल. IITian और लॉ में पता है क्या अंतर होता है? जैसे ऑडी होती है जैसे ब्रेजा होती है. तो मैं अपने आपको ऑडी बोलना चाहूंगा, आपको ब्रेजा नहीं बोलना चाहूंगा, आपको ऑल्टो बोलना चाहूंगा. अब आप हंसे ना, मजा आएगा. हंसिए ना मजा आ रहा है मुझे. हंसिए ना प्लीज, हंसिए. ब्लेसिंग करिए ना, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी. ब्लेसिंग करिए ना. नहीं चलना है आपको? कोट ले चलो. ले चलो. हाँ तो आपको ले चलते, क्योंकि आई थिंक आपको. आप एक बार ब्लेसिंग करिए ना, बहुत अच्छा लगेगा. टू बी ऑनेस्ट, एक बार करिए ना ब्लेसिंग. करिए ना ब्लेसिंग. आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी. वो तो आप कर ही नहीं पाएंगी. आप वो तो आप कर ही नहीं पाएंगी. क्यों नहीं कर पाऊंगी? आपके पास वो है ही नहीं. बात क्या बात है? आपने मुझसे इधर बैठ के बात किया, मुझे मेरे मन में बात नहीं है. वो नहीं कर पाएंगे आप. सर मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ और आप IITian हैं एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. ओके, मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी एजुकेशन की. नहीं नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए. मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी एजुकेशन है, आप IITian हैं, बट प्लीज़ कोई और होता तो आई स्लैप प्लीज़. आप यहाँ छोड़ दीजिए. मैं IITian नहीं हूँ, मैं इस बात को खत्म कर देता हूँ. कट कर दीजिए. मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक बेरोजगार हूँ. तो इस तरीके से आप बात करोगे? मैंने आपसे गुनाह क्या किया? मैंने आपसे हेलो हाय कर लिया. हाँ बट लेकिन आप मुझे धाराएं बताने लगी कि IPC है. आपको क्या पता है ऐसी? मुझे नहीं पसंद मुझे बात करना. आपको क्या पता IPC के बारे में? जितना आपने नहीं पढ़ा होगा उससे ज्यादा मुझे नॉलेज है. और आप जैसे लॉयर मेरे लिए काम करते हैं. सर सुबह से लेकर शाम तक वही करते रहते हैं. तो आप मुझे ऑडियो और ब्रेजा का मतलब मत समझाओ. मैंने आप मुझे हर्ट कर रहे हो यार. मैं हर्ट, आई एम नॉट हर्टिंग यू. आप पैसा दिखा रहे हो मुझे. मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी थी, तो आप चुपचाप चले जाते. आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं कि मैं बोलूं. जब आप मुझे नहीं, मुझे पता है मैं किस काइंड के पर्सन हूँ, मैं क्या प्रेफर करती हूँ क्या नहीं करती. अरे मुझे जानना ही नहीं आप क्या प्रेफर करती हैं नहीं करती हैं, जो भी है बैठे. लिसन, मैं यहाँ बैठे बैठे मैं यहाँ पर बैठे बैठे आपको आपके जॉब से हटवा सकता हूँ. दिस इज माई पावर. आप देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल. आप देखना चाहेंगे? बिल्कुल. डू दैट नाउ. अभी मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद. आप IITian हैं, आपने बोला मैं IITian हूँ, मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, मैंने आपको तब भी कहा आप चले जाएं, बट आर यू गिविंग मी दैट थ्रेट्स? सो यू कैन डू दैट राइट नाउ. व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट डू इट राइट नाउ प्लीज. आपने मुझे चैलेंज किया है. आपने चैलेंज किया है. चाहते हैं कहाँ तक आपकी पहुँच है? बिल्कुल. वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुझे, लेकिन कभी कभी आना पड़ता है आई थिंक. बिल्कुल बिल्कुल. आपका एटीट्यूड यही रहेगा, सेम रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल. आप दिखाएं मुझे. तो आप जानती होंगे और साथ में मैं ही हूँ. और प्रूफ दिखाने की जरूरत है? मैं आपको हटवा सकता हूँ. आप बोलिए तो मैं फोन करूँ आपको. आप बोलिए तो मैं फोन करूँ आपको. नहीं नहीं, नहीं. मैं फोन करूँ? नहीं, I'm really sorry. देखिए मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहती थी, बट मुझे अभी आप सॉरी बोल रही हैं, इसके पहले आप क्या बोल रही थी? बाय द वे मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ. वहाँ पे देखिए कैमरा लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई एम रियली सॉरी बट जो चीज़ें थी वो मैं अपने. आप इनडायरेक्टली आप किसी को भी इस तरीके से बोलेंगी? गाइज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा. आप ये यहाँ पर बैठी थी कि आप मुझे बताने लगी मैं लॉयर हूँ, IPCN वॉट एवर, बहुत कुछ बताया आपने. आप मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आपको आपकी जॉब चाहिए, मैं हटवा सकता हूँ. I'm really sorry. मैं बस यही कह रही थी कि मुझे सॉरी. आप लेकिन इस तरीके से आप लोगों से बात करते हो. मैं लोगों से ऐसे नहीं बात करती, बट आई वॉज जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड. मेरा काम था, मैं फ्रस्ट्रेटेड, मुझे प्रेशर था वर्क का, इसलिए मैंने बोल दिया. मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना, बट जस्ट आई एम रियली सॉरी. लास्ट में यही बोलूंगी कि मैं ऐसे नहीं. हो गया, खत्म कर दो वीडियो यार. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को हर जगह आप पहुँचाओ, ताकि लगे ना जो लोग अपने पावर का और अपने लॉयर होने का और अपने पुलिस ऑफिसर जो भी है होने का गलत मिसयूज करते हैं वो ना करें, वरना तो फिर हम जैसे लोग तो मिल ही जाते हैं आपको. तो लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगी? I'm really sorry about इसके अलावा आप कुछ आप बोल भी नहीं सकती हैं, लेकिन मुझे बहुत हर्ट हुआ आपसे मिल करके. पी सकते हैं साथ में चाय? कैसे कोई मना कर देगा? बंद कर दो यार.